एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्राजील के अमीर और शक्तिशाली में लोगों में गिने जाने वाले स्कार्पा ने एक घोषणा की। उनकी इस घोषणा ने लोगों में सनसनी फैला दी है। स्कार्पा ने अपनी $10 लाख 7 करोड़ कीमत की बेंटले कार को दफनाने की घोषणा की। उनकी इस इच्छा के पीछे का कारण जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। वे इस महंगी कार को इसलिए दफनाना चाहते हैं कि वे मरने के बाद इस कार में घूम सकें। उनकी इस घोषणा के बाद उनकी मीडिया में खूब आलोचना हुई और उन्हें पागल तक करार दे दिया गया। मीडिया में कहा गया कि इसकी कीमती चीज को दफन करना पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। वे इस कार को दान क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन थाने चिकिन्हो स्कार्पा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वे अपने काम में लगे रहे। लेकिन इस पूरे मामले में रोचक मोड़ तब आया जब स्कार्पा कार को दफन करने के पीछे अपने असली उद्देश्य का खुलासा किया। उन्होंने कार की अंत्येष्टि की पूरी तैयारियां भी कर ली थीं। तभी उन्होंने बताया कि ये सब एक ड्रामा है। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कि मैं इतनी कीमती कार को दफनाना चाहता हूँ। वास्तव में लोग मेरी कार की तुलना में कुछ ज्यादा मूल्यवान चीजें दफन करना चाहते हैं। लोग अपना बहुमूल्य दिल, लिवर, फेफड़े, आँखें, किडनी रोज दफनाते हैं, जो बहुत गलत है। बहुत सारे लोग अपने स्वस्थ अंगों का प्रत्यारोपण के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका जीवन बच सके। मैंने प्रण किया, आप भी प्रण करें कि अपने अंगों का दान करेंगे ताकि मृत्यु के बाद हमारे अंग किसी के जीवन को बचा सकें।